गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दोयल और मेरा चैनल द सैपलिंग में आप सबको फिर से स्वागत है। आज मैं इस प्लांट का रिपोटिंग, केयर और फर्टिलाइजेशन के बारे में आपसे बात करूंगी। इसका नाम है पिंक क्रेप जैस्मिन। आप सबको क्रेप जैस्मिन के बारे में तो पता ही है, ये उसी का एक वैरायटी है। इसका फ्लावर बहुत ही सुंदर है जो लाइट पिंक कलर में आते हैं, इसीलिए इस प्लांट का नाम पिंक क्रेप जैस्मिन है। क्रेप जैस्मिन इज एन एवरग्रीन श्रब जिसका हाइट 6 to 8 फीट तक होता है। ये पेरेनियल प्लांट पॉपुलर है इसका डार्क ग्रीन ग्लॉसी फोलियज और पिन व्हील शेप्ड फ्लावर के लिए। ये प्लांट ग्रो होने के टाइम ऑटोमेटिकली एक सुंदर सा बुशी शेप ले लेता है। पर आज मैं जो प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ वो भी क्रेप जैस्मिन की एक वैरायटी है, लेकिन क्रेप जैस्मिन की तरह उतना बुशी नहीं है। इसका केयर, मेंटेनेंस, फर्टिलाइजेशन, मिट्टी, ये सब कुछ बाकी जो क्रेप जैस्मिन की वैरायटी है उसी की तरह सेम ही है। अभी बात करते हैं कि क्रेप जैस्मिन में हम कितने वैरायटी देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसका नाम भूटान टगर है। ये भी क्रेप जैस्मिन का एक वैरायटी है जिसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं और मेनली समर के टाइम में इस प्लांट में इतना फ्लावरिंग होता है। ये और एक वैरायटी है क्रेप जैस्मिन का जो वेरिगेटेड लीव वाला वैरायटी है, इसमें भी बहुत सारे फ्लावरिंग होते हैं। ये दो वैरायटी को छोड़ के हमारे क्रेप जैस्मिन में और भी बहुत सारे वैरायटी है जिसमें सिंगल पेटल, डबल पेटल और ड्वार्फ वैरायटी भी अवेलेबल होते हैं। ये जो ड्वार्फ वैरायटी का क्रेप जैस्मिन है इसको मेनली हेज में या फिर गार्डनिंग में लैंडस्केपिंग के लिए यूज होता है। ये सभी वैरायटी आजकल नर्सरी में बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। क्रेप जैस्मिन एक ट्रॉपिकल श्रब है, इसीलिए ह्यूमिडिटी, गर्मी इस प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी चलते हैं इसका रिपोटिंग के लिए। पहले बात करते हैं इसके मिट्टी के बारे में। ये प्लांट ट्रॉपिकल श्रब है तो ऑटोमेटिकली इसको गर्मी पसंद है, लेकिन गर्मी के साथ साथ इसे मिट्टी में नमी भी पसंद है। इसीलिए हम इसके मिट्टी में ले रहे हैं एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा सैंड। अगर आप चाहे तो इसमें एक हिस्सा कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। कोकोपीट ऐड करने से मिट्टी के नमी एकदम बरकरार रहते हैं। जहाँ पे बहुत गर्मी होता है, ड्राइनेस होता है, वहाँ पे अगर मिट्टी में हम कोकोपीट डालते हैं तो मिट्टी जल्दी सूख नहीं जाता है। रिपोटिंग के टाइम मिट्टी बनाने के समय हम उसमें थोड़ा सा नीम खली भी ऐड करेंगे ताकि मिट्टी में कोई फंगल या फिर पेस्ट इन्फेस्टेशन ना हो। अभी हाइट के हिसाब से मैं 8 इंचेस का पॉट में ही इसे रिपोर्ट करूंगी। ये वैरायटी थोड़ी स्लो ग्रोअर है कंपेयर टू अदर क्रेप जैस्मिन वैरायटीज। बाद में जब ये प्लांट रूट बाउंड हो जाएगा तब मैं इसे बिग पॉट में शिफ्ट करूंगी। क्रेप जैस्मिन ब्लूम्स थ्रू आउट द ईयर बट इन समर टाइम दे ब्लूम्स प्रोफ्यूजली। इस प्लांट को जितना सनलाइट मिलेगा ये उतना अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। इसीलिए अगर आप ये प्लांट को
चार से पाँच घंटे का अच्छा सनलाइट दे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसको आप शेडी एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन शेडी एरिया में ग्रो करने में इसको अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगा। ये ट्रॉपिकल श्रब है, इसका मतलब है ये प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए गर्मी के साथ साथ मिट्टी में नमी भी जरूरत है, इसीलिए इसे रेगुलरली वाटरिंग करना बहुत जरूरी है। इसका मिट्टी कभी सूखने मत देना चाहिए। जब इसका टॉप सॉइल ड्राई हो जाए तभी साथ साथ हमें इसको वाटरिंग कर देना है। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक ये प्लांट भरपूर फ्लावरिंग करता है, ये टाइम उसका ग्रोइंग सीजन भी होता है, लेकिन विंटर सीजन इसका डोरमेंट पीरियड है। इस टाइम वो अपना मैक्सिमम लीफ को गिरा देता है, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए क्योंकि स्प्रिंग सीजन आने पर ये फिर से अपना न्यू ग्रोथ और न्यू ब्रांचेस को लेकर फिर से अपना बुशी रूप ले लेता है। इस प्लांट में जो एक प्रॉब्लम देख सकते हैं हम, वो है लीफ येलोइंग का प्रॉब्लम। इसका तीन कारण हो सकता है, एक तो है ओवर वाटरिंग, दूसरा है पीएच लेवल का एल्कलाइन हो जाना। पीएच लेवल अगर एल्कलाइन हो जाए तो इसके लिए हमें इसमें अच्छे से कंपोस्ट या फिर खाद देना है ताकि इसका पीएच लेवल फिर से एसिडिक हो जाए। और तीसरा जो कारण है वो है रूट बाउंड हो जाना। ये प्लांट का रूट बहुत जल्दी से ग्रो करता है, इसीलिए एवरी ईयर स्प्रिंग टाइम में अगर हम इसका रूट प्रून करें तो इसका रूट बाउंड होने का चांस कम हो जाता है। ये प्लांट इजीली स्टेम कटिंग से प्रोपागेट कर सकते हैं स्प्रिंग सीजन में। तो फ्रेंड्स, आज इतना तक ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।